सपने दिल में जगाए, चोरी चोरी छुपके से नींदों में आए साथिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम समर महमूद है और एक्सक्यूज मी मिस जी, आपका नाम? आयला हाशमी। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि पहले आप सबसे तारुफ हो जाए। आप काशिम मुर्तजा? कमिंग सर। यस, आपका नाम? शिराज अहमद। हाँ हाँ, अरे यार ये कोई पूछने वाली बात है? तुम आओ तो सही, मेरे यहाँ कभी खाली खाना खाया तुमने? पर इनविटेशन कार्ड तो मैंने पिछले हफ्ते सबको पहुंचा दिए थे, कल मैंने सबको रिमाइंडर कॉल्स भी कर दी। गुड। हाँ वो ड्रिंक्स वगैरह कर लिया ना? हाँ जी, वो मैं 6 बजे जाऊंगा, 7 बजे लेके पहुंच जाऊंगा। ज्यादा ही रखना है। हाँ जी, फिक्र ना करें आप। हाँ वो क्रीम बिल्डर्स वालों को इनविटेशन दे दिया था ना? ओ जी, उनको तो मैं अपने भाई हैंड दे के आया हूँ दस्ते मुबारक से। बड़े समझदार हो गए। बोल के रख दिया सर जी, समझदार तो होना ही था। क्या वो मैंने कही के आपकी मोहब्बत का असर है सर जी, समझदार हो गया मैं। फ्रैंक ना हुआ करो खाम खाम। ओके सॉरी सर जी, सॉरी। अवलीना को कहना फाइल लेके जरा आए। जी सर, जी सर। अरे आज आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? तुम्हें तो पता है कि बास ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाली हुई ऑफिस की। है जी, ऑफिस का काम हो या कोठी का काम हो, शहर से बाहर जाना हो या घर में को पार्टी हो। आप उन्हें साफ साफ कह दें कि सेक्रेटरी की तनख्वाह में इतने सारे काम नहीं हो सकते। कह चुका हूँ, 100 दफा कह चुका हूँ, बस हंस के टाल देते हैं। आज घर की पार्टी का सारा इंतजाम मैंने अकेले ने किया है। पार्टी है? हाँ हाँ पार्टी है घर में। हमें भी ले चले, इतने दिन हो गए कहीं बाहर गए हुए। ओ भाई मुझे तो फौरन कोठी पहुंचना है, तो तुम, मैं तो कपड़े बदलने आ गया। तुम लोग इस तरह करना के खुद ही आ जाना या फिर इस तरह करना के 7 बजे ना तैयार हो जाना, मैं दफ्तर की गाड़ी भेज दूंगा।
जफर भाई बैंड के सिंगर से ऑटोग्राफ दिलवा देंगे। सब बच्चे अपने तो तस्वीरें भी खिंचा दूंगा। चल फायदा, जल्दी से मुझे कपड़े निकाल। अपना है ना, तुम अकेली बैठी हुई हो, वो फायदा बुला रही तुम्हें, वो बेगम रहीम के साथ बैठी हुई है। जफर भाई वो कारवान बैंड भी चला गया, अब फराजी से तो ऑटोग्राफ दिलवा देना। ओहो कितने काम है, मेरे तो हाथ पैर फूले हुए हैं, देखने कितने लोग जमा हुए हुए हैं। पर आपने वादा किया था मुझसे। अच्छा मेरी बात सुनो एला, क्या ख्याल है कल घर पे ना बुलवा लो इन सबको। नहीं नहीं अभी अभी चल लेते ना, आई चले। ओ नहीं नहीं कमाल हो गई तुम्हारी। जफर इकबाल की साड़ी मामूली फनकारों से मिलने के लिए खुद जाएगी उठ के। तुम ठहरो मैं अभी उनको बुला के लाता हूँ इधर सबको। हेलो, हाय मामूजल, आप यहाँ अकेली खड़ी क्या करें? वो आप गालिबन राशिद अली खान की साहबजादी? नहीं मैं तो जफर साहब की सिस्टर इन लॉ हूँ। जफर रहीम? नहीं नहीं जफर इकबाल जो आपके ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा अपना जफर, अच्छा अच्छा, तो भाई आप यहाँ क्यों हैं? एंजॉय योर पार्टी। वो मैं फरा जी से ऑटोग्राफ लेना चाह रही थी। अच्छा यार कोई जरा फरा जी जरा आइएगा प्लीज। भाई ये हमारे जफर साहब की सिस्टर इन लॉ हैं, आपकी फैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऑटोग्राफ लेने? नहीं नहीं फोटोग्राफ। आइए आइए सर, ये फोटोग्राफ बनाइएगा पहले, इन दोनों का बना। आए आए जरा आइए। एक हाथ का मायने बना लो मैं भी आ रहा हूँ। चलो इसी बहाने हाँ
फराज जी बहुत शुक्रिया आपका, वी रियली एंजॉयड योर सिंगिंग, बहुत सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो पार्टी एंजॉय किया आपने? अपना सर जी, ये मेरी सिस्टर इन लॉ। हाँ अभी बताया उन्हें, मैं तो जफर रहीम की वो समझा। ओ सर जी, मेरी बेगम भी आई हुई है जी, मैं अभी मिलवाता हूँ आपको उसे। हाँ जरूर मिलवाना जफर। अच्छा ऐसा करना, आप लोग जाना नहीं है, ये मेहमानों को सीआफ कर लो, फिर बैठ के जरा गप करेंगे। हाँ जी ठीक है सर जी, ठीक है, हम यही है जी, नो प्रॉब्लम सर जी। अच्छा फायदा कहाँ है? हेलो सर, बैठ जाओ। जी बहुत मेहनत कर, आई एम श्योर के डिस्टिंक्शन मार्क्स तो तुम ले ही लो। सर कोशिश तो यही है। वो तो तुम्हें देखते ही अंदाजा हो गया। किस बात का? निशानी की जगमगाहट और आंखों की चमक, खूबसूरती और जहानत सास। थैंक यू सर, मुझे तुम पहले दिन बहुत अच्छी लगी। जी आई मीन मुझे ज़हीन स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आई रियली लाइक देम। सर मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं भी। थैंक यू सर। हाँ शिराज यार, कोई पोस्ट ऑफिस है पास में? है तो नहीं सर, लेकिन कोई काम है तो चला जाऊंगा। यार ये एक लेटर है, ये पोस्ट करना था, पोस्ट बॉक्स में डाल दो अगर कोई पास में है तो। सर मैं कर दूंगा। थैंक यू। थैंक्स कब तक, आखिर कब तक उठाऊं ये बोझ? ओ कमा कमा के थक गया हूं मैं, अब नहीं होता भाई मुझसे। हाँ कोई कसम खुदा का, पहले हर महीने एक चेक कैश होता था, है जी, अब पता नहीं कितने कितने चेक कैश हो जाते। तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे पूछ सको कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? यतीमों को इतने फैशन नहीं करने चाहिए और ना इतने महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए। और तुम शादीशुदा हो, तुम इतने ठाट बाट से नहीं रहती जितनी वो रहती है। बस 6 महीने की बात रह गई है, उसके बाद वो नौकरी कर लेगी। और पार्ट टाइम तो अब भी कर सकती है, हजारों लड़कियां करती हैं। अब बस भी कर देना। ओ भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के अम्मा अब्बा को मैंने मारा है और अब उसकी सजा भुगत रहा हूं मैं, तुम दोनों को पालना पड़ रहा है मुझे। Quite impressive. एक formal interview के लिए बुला ले, and I think you give the reward. Very comment sir ji. Yeah. अभी ये अपना visibility आ गई है जी। इसको पढ़ के दस्तखत कर दे, मैं अपना परचेजिंग शुरू कर रहा हूँ जी। दफर यार ये रेट्स तो बहुत ज्यादा कूट किए हैं, एक काम करो अपने गवर्नमेंट मैनेजर से कहो कि प्रेस के रेट्स दोबारा लें, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा कॉस्ट है। नहीं नहीं सर जी, वो तो मैं दो दफा चेक कर चुका हूँ, आप दस्तखत करें फिक्र ना करें, नुकसान नहीं होने दूंगा।
श्योर हाँ 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 मैं थोड़ी देर में जाऊंगा लंच के लिए तो उस बारे में कह रहे किसके फाइनल बना रहे सर जी एक बात पूछूं कोफ्ते पसंद है जी आपको कोफ्ते वो सर जी असल में ना घर से कोफ्तों का साधन बन गया है क्या बताऊं जी आपको कैसे कोफ्ते बनाती है फैमिली आपको तो पता ही है क्या ख्याल है आज फिर यही ना हो जाए लंच इसमें सर जी बड़े बड़े लोग अपने चैम्बर में करते हैं जी लंच वो अली ब्रादर वालों को तो पूरा दस्तरखान लगता है जी चलो भैया यहीं कर लेते हैं अच्छा मैं अभी खाना लगवा क्या हो रहा है भाई क्या हो गया जनाब एज यूजुअल आपकी दोस्त से बोलूं तो आना तो है लेकिन तुम भी कुछ कम ठीक नहीं हो मेरे ख्याल में अब तुम अपनी फजूल बातें बंद करो और चले जाए आयला शिराज बुरा लड़का नहीं है होगा मगर जो शख्स मुझे पहली नजर में अच्छा ना लगे वो कैसे मुझे पसंद आ सकता है ओके वैसे अपने लेक्चरर समर साहब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कैसा ख्याल अरे यार वो तुम्हारे मामले में बहुत सीरियस लगते हैं पता है अभी रॉकर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे रियली क्या क्या पूछ रहे थे यही कि आयला कैसी लड़की है किसी से दोस्ती तो नहीं है कहीं मंगनी तो नहीं हुई वगैरह वगैरह फिर तुमने क्या कहा क्या कहना था सब कुछ सच सच बता दिया वैसे हैं बड़े हैंडसम और बातें भी बहुत मजे की करते लेकिन ये सब बातें मुझसे पूछनी चाहिए थी ना तुमसे क्यों पूछी अब ये जाके ना तुम उनसे पूछ लो ठीक है तुम बकवास बड़ी करती हो बहुत हैवी हाथ है तुम्हारा अच्छी बताओ ओ सर जी एक कोफ्ता तो लेना जी हो मैं पेट भर गया ओ सर जी एक हां हां मैं वैसे आज वो इतनी हो सर जी कैसे थे कोफ्ते स्वाद आ गया ना फिर सर आप सच पूछो तो एक जमाने के बाद मैंने इतने मजे के चटकारेदार कोफ्ते साथी किसी दिन घर आके खाए ना और गरम गरम चपाती जब तवे से उतर के आती है ना कोफ्तों के साथ लाइफ सेट हो जाती बंदी है मैं अब तुम्हें तकल्लुफ नहीं करूंगा जायका चख लिया अब तो जरूर आएगा होए 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 सर जी मुझे एकदम ख्याल है आपको तो घर की रोटी खाए हुए कई साल गुजर गए क्यों भाई सारे ख्याल में क्या मैं सराय में नहीं सर जी घर कोई नौकरों से थोड़ा ही बनता है जी घर तो घरवाली से होता है ना जी और मैडम जी की डेथ को तो मुझे याद है जी 4 साल हो गए और मिस फारिया को भी लंदन गए हुए हो गए जी 3 साल सादिया तुम्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस हुए तो यूं लगता है जैसे 3 सदियां बीत गई कितना अकेला कर गई हो तुम मुझे अब थकने लगा हूं सब कुछ बेरंग बेमानी लगता है तुम्हारे बाद हमारी बेटी फारिया जिंदगी की एक होप थी मगर 21वीं सदी की ये लड़की अपने 20वीं सदी के आउटडेटेड बाप को ठुकरा के
लंदन जाकर बैठ गई। चल जहां रहे खुश रहे, दुआ के सिवा हम क्या कर सकते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो यार? Nothing, man. देखो भाई, सीधी सी बात है, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और बहन हमारी कोई है नहीं, तो ये सारी मशक्कत खुद ही करनी पड़ती है। खुश रहिए, क्योंकि आप जिस घर भी जाएंगे सुख उठाएंगे। सुगड़ में हो कि वैसे भी बड़ी कदर होती है ससुराल में। अच्छा, तो ये नानी अम्मा की तरह बात करना आपने कहाँ से सीखी है बताइए? अपनी नानी अम्मा से। मार्कस से। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू। खैर, तुम कुछ कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था कि यार वो समर साहब को तो अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो देखो ना यार, अब साथ शागिर्द का रिश्ता तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उनको छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। यार ये सब पुरानी बातें हो गई। देखो यार आमिर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि तुम एक भाई दोस्त हो मेरे, जिससे मैं हर बात शेयर करता हूँ। आई नीड अ फेवर यार, मैं चाहता हूँ तुम आयला को समझाओ। क्या कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगे? कम ऑन यार, मैं ये नहीं कह रहा, तुम उसे समझाओ कि वो समर की बातों में ना आए। तो तुम्हारा मतलब है मेरे समझाने से वो मान जाएगी? कोशिश करने में क्या हर्ज यार? मेरी एक चीज समझ में नहीं आती है, तुम लोग वहां सब पढ़ने आते हो या इन सारी प्रॉब्लम्स में पढ़ के अपना वक्त जाया करने? लेक्चर नहीं चाहिए आमिर, कैन यू हेल्प मी और नॉट? फलक तुम्हारे लिए पागल हो रही है यार, तुम आयला के लिए, आयला समर के लिए, फला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ओ अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई आमिर, कहां हो आजकल, नजर नहीं आ रहे? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसलिए कम दिखाई देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर अपने इस दोस्त को भी तो समझाया करो ना। क्या हो गया भाई, मतलब कि मैं यार? अच्छा तुम लोग बैठो, मैं ज़रा चेंज कर लूँ। चलो चलो। तो क्या बोल रहे थे आप यहाँ मुझे बेइज्जत कराने के लिए आए हुए थे? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था मैं यहाँ पे आस्तीन का कोई सांप पाल रहा हूँ। शायद तुझे पिलाऊं मैं आप बेटा? यार बेवकूफ जी भाई। हाँ एक मिनट आया मेरा बेटा।
आला आला समर बोलो अब इस वक्त अब एक मिनट होल्ड करें हेलो खैरियत इतनी रात का है आपने फोन किया बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई तो स्लीपिंग पिल्स ले लेते जिसको तुम्हारी याद सता रही हो उसे सारी दुनिया की पिल्स भी मिलकर नहीं सुला सकते I love. I love you. ये आप क्या कह रहे हैं? मैं घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं. दिल हर वक्त तुम्हारी याद में उलझा रहता है. आंखें हर वक्त तुम्हें देखती रहती मुझे मालूम है कि इस कैफियत को ये मोहब्बत कहते हैं इसीलिए साफ साफ कह दिया लेकिन समर साहब मेरे और आपके दरमियान उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है इस रिश्ते में एहतराम रिश्तों की हैसियत को रिवायतों के तराजू में नहीं तोलता ये तो जज्बों से बनते हैं मेरे दिल में जागने वाली मोहब्बत में मेरे किसी इरादे का कोई दखल नहीं प्लीज समझने की कोशिश करो सुनो क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल सकती हो इस वक्त नहीं कल परसों जब मिल सको देखिए समर साहब इस वक्त घर में मेरे बहन और बहनोई मौजूद हैं और उनमें से कोई भी जाग सकता है मैं आपसे इस वक्त ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती मैं फ़ोन रख रही हूँ कम से कम मेरी बात का जवाब तो दे दो अब चंद लम्हों के लिए सही प्लीज मैं सोचूंगी दिमाग से नहीं दिल से सोचना अपने दिल से सपने ना चुरा तेरे से छुपा लूं लेकिन आई गेस तुझे पता होना चाहिए कि आयलो और समर साहब का जो रिलेशन है वो आगे बढ़ा इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं समर को जान से मार डालूंगा ये बताओ तुम आज इंस्टीट्यूट आई क्यों नहीं थी आई तो थी दूर दूर मेरे पास क्यों नहीं आई थी देखिए आप एक मैच्योर आदमी हैं ये टीनेजर्स वाली हरकतें आप पर अच्छी नहीं लगती ओए ये चीजें सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती किसी ना किसी को पुनना पड़ता है चक्कर चलाना पड़ता है चक्कर क्या शहराज आयला के दिल में जगह बना सकेगा कहानी
मेरे सपने ना चुरा।